एक बार रिस्टोर मारो करूंगा, जब भी दिक्कत दिखा रहा है फिर। लगभग 2000 से अधिक ही बंदी निरुद्ध हो रहे हैं, तो व्यवस्था तो हम सभी, हमारा पूरा स्टाफ मिलकर के इसको अच्छी तरीके से संचालित कर रहा है। हालांकि स्टाफ की बहुत अधिक कमी है, हमारे पास 50 से भी कम जेल स्टाफ, बंदी रक्षा के स्टाफ है, जिसमें जो बंदियों को इलाज के लिए हमको जिला अस्पताल और मेरठ मेडिकल कॉलेज भेजना पड़ता है, वो भी पुलिस गार्ड के अभाव में हमें कारागार कर्मी ही सुरक्षा के लिए लगाने पड़ते हैं, वो भी कम हो जाते हैं। कुछ बंदी रक्षक जिनको अति आवश्यक है वो अवकाश भी लेते हैं, अवकाश भी देना पड़ता है, क्योंकि उनका भी अपना परिवार है, परिवार की भी समस्याएं हैं, बच्चे हैं, लड़की है, लड़का है, बड़े बच्चे हो गए हैं, उनकी शादी भी करनी है, तो अब उनको अवकाश भी देना पड़ता है। इस प्रकार हमारे पास डेली का औसत जो हमारा जेल वार्डर स्टाफ है वो लगभग 42 से लेकर 45, 42 से 45 तक रहता है, लेकिन उसी से हम अपना काम चला रहे हैं और अच्छे से काम चला रहे हैं। उसमें हमारा जो डिप्टी जेलर स्टाफ है, जेलर हैं, तो इस स्टाफ को थोड़ा अधिक मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा अधिक देखभाल करनी पड़ती है। हम भी जो है बहुत अधिक समय देते हैं, सुबह से लेकर के रात के 9 बजे तक, क्योंकि स्टाफ कम है तो हर जगह पर ध्यान देना पड़ता है, और हम अच्छी तरीके से उसको मैनेज कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी जा रही है। इसके लिए फंड की या मतलब ऐसे खाने की, तो उसके लिए सर मतलब आपका कुछ बटन पड़ता होगा, तो उसके लिए सर आप क्या करते हैं आगे बता। भोजन का तो मानक बना हुआ है, मानक के अनुसार भोजन उनको दिया जाता है, उसके लिए बजट की कोई कमी नहीं है, जितना भी बजट मांगते हैं उतना बजट मिलता है, और मानक के अनुसार चाहे बंदी की जितने भी बंदी रहते हैं उनके मानक के अनुसार उनको भोजन दिया जाता है, उसमें कोई बजट की कोई समस्या उनमें नहीं है। बंदियों के इलाज की भी कोई समस्या नहीं है, इलाज में भी जितना भी पैसा खर्च होता है, जितना बजट मांगा जाता है कारागार मुख्यालय द्वारा, वो सारा बजट दिया जाता है। केवल जेल वार्डर स्टाफ की और मिनिस्ट्रियल स्टाफ की वो बहुत ज़्यादा कमी है, जैसे अकाउंटेंट नहीं है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ में केवल एक ही कनिष्ठ सहायक हमारे पास हैं, जो कम से कम 2 होना चाहिए, लेकिन जैसे तैसे स्वयं हम उसको मैनेज करते हैं, कुछ काम बंदियों से कराते हैं, कुछ अधिक लोड होने के बावजूद भी एक ही कनिष्ठ सहायक से अकाउंट का और बाकी अंग्रेजी कार्यालय का काम कराया जाता है।